रहमानिर्रहीम। लास्ट क्लास के अंदर बच्चों जो कि हमने आपको ऑस्मोरेगुलेशन और एक्सक्रीशन के हवाले से जो क्लास ली थी आपकी, उस क्लास को हमने वाइंड अप किया था ऐसी जगह पर जहां पर हम ये करेक्टर्स पढ़ रहे थे कि मरीन बोनी फिशेस कैसे जिंदा रहेंगी और क्या करेक्टर्स होंगे उनके, सॉल्ट को इंटेक करेंगी और वाटर को आउट करेंगी ताकि अपनी बॉडी के ऑस्मोरेगुलेशन को मेंटेन कर सके। याद रखिए ये वो फिशेज हैं जो वाटर को लूज करती हैं और सॉल्ट को गेन करती हैं। इसी तरह से ये वॉल्यूम जो है किसका, यूरिन का, स्मॉल अमाउंट के अंदर यूरिन को जो है वो अपनी बॉडी से बाहर निकालेंगे। आइए हम बोनी फिशेज की तरफ चलते हैं, जो आज आपका टॉपिक है उसको आज हम स्टार्ट करते हैं बोनी फिशेज के हवाले से मरीन के अंदर। सो मरीन बोनी फिशेज के बारे में हम डिस्कस करते हैं। पहली बात याद रखिए कि मरीन बोनी फिशेज जो होती हैं वो गेन करती हैं सॉल्ट फ्रॉम एनवायरमेंट। बात समझ में आ गई? जब वो सॉल्ट को गेन करेंगी एनवायरमेंट से और इसी तरीके से वो वाटर को लूज करेंगी। क्यों? क्योंकि इनके एनवायरमेंट के अंदर क्या चीज मौजूद है, सॉल्टी वाटर मौजूद है। सॉल्ट को इनटेक करेंगे, वाटर को रिमूव आउट करेंगे। इसी तरह से इनके पास जो डिस्टल ट्यूब्यूल्स होती हैं इनके किडनी के अंदर, इनकी किडनी यानी नेफ्रॉन का जो स्ट्रक्चर है उन स्ट्रक्चर के अंदर डिस्टल ट्यूब्यूल्स या डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स जो है वो क्या होंगी, मौजूद नहीं होंगी। जबकि इनका ग्लोमेरुलस यानी कप लाइक स्ट्रक्चर जहां पे यूरिन ब्लड से क्या होगा, छन जाएगा, जिसके बाद ब्लड बॉडी के अंदर चला जाएगा और वाटर और उसके साथ जो यूरिन होगा वो पास आउट हो जाएगा। तो ग्लोमेरुलस छोटी अमाउंट के अंदर इनके पास मौजूद होगा, एडजस्ट होगा अमाउंट ऑफ यूरिन के एतबार से उसको एडजस्ट करेगा। आपको ये फिशेज जो है बोनी फिशेज आपको आपके इलाकों में भी मिल सकती है, नॉर्दर्न साइड्स पर भी आपको मिल सकती है। आप इसे खाते भी हैं और इसे खाने का एक अलग जायका भी है। आइए जरा हम आगे चलते हैं। जब हम आगे चलते हैं तो ऑस्मोरेगुलेशन हम बात करते हैं किसके अंदर, फ्रेश वाटर के अंदर। अभी तक जो चीज हमने डिस्कस की है वो मरीन वाटर के अंदर डिस्कस की है, मरीन ऑर्गेनिज्म के अतबार से डिस्कस की है। अब हम चलते हैं फ्रेश वाटर के अंदर, ऑस्मोरेगुलेशन किसके अंदर, फ्रेश वाटर के अंदर। याद रखिए कि हमने लास्ट क्लास में भी इस की को इस्तेमाल किया था, यानी कि लाइट ब्लू की वाटर को डिनोट कर रहा है और जबकि जो डार्क ब्लू कलर है वो सॉल्ट को क्या कर रहा है, डिनोट कर रहा है। तो इसका मतलब ये कि ये सॉल्ट और वाटर दोनों को इंटेक कर रही है फ्रॉम देयर सराउंडिंग, अपनी सराउंडिंग से बाय माउथ, ठीक है जी, अपने माउथ से गेन कर रही है वाटर को एंड सम ऑयल इन फूड, अपना जो खाना है वाटर के हवाले से जो पानी के अंदर है उसे भी गेन कर रही है। आप टेक ऑफ सॉल्ट ऑयल बाय गिल्स, गिल से भी यानी गलफड़ों से भी ये क्या कर रही है, सॉल्ट को या ऑयल्स को इंटेक कर रही है। इसके बाद हम देखें ऑस्मोटिक वाटर जो है गेन कर रही है थ्रू गिल्स एंड अदर पार्ट ऑफ द बॉडी सरफेस, और इसी तरीके से ऑस्मोटिक वाटर को भी ये गेन कर रही है, सॉल्ट भी गेन कर रही है, ऑस्मोटिक वाटर को भी गेन कर रही है। लेकिन अब जो चीज आपने देखनी है वो एक्सक्रीशन जो इसकी हो रही है, यानी टॉक्सिक अनवांटेड मटेरियल को जो ये रिमूव आउट कर रही है, एक्सक्रीशन ऑफ सॉल्ट ऑयल एंड लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है जी, एक्सक्रीशन ऑफ सॉल्ट ऑयल, सॉल्ट को भी रिमूव कर रही है जो कि एनवायरमेंट से इंटेक कर रही है, एंड लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इन डाइल्यूट यूरिन फ्रॉम किडनीज। और इसी तरीके से जब ये लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर को रिमूव कर रही होगी तो उसी के साथ लार्ज अमाउंट के अंदर यूरिन को भी क्या कर रही होगी, रिमूव आउट कर रही होगी। हमने जो पिछले स्लाइड के अंदर देखा बोनी फिशेज में, मरीन में, उनका अमाउंट ऑफ यूरिन जो था वो स्मॉल था, क्वांटिटी के हवाले से इनका क्या होगा, ज्यादा होगा, ताकि इनका होम्योस्टेसिस क्या रह सके, बैलेंस रह सके। आइए आगे चलते हैं। जब हम आगे चलते हैं तो मरीन कार्टिलेजियस फिशेज को देखते हैं। देखिए बच्चों, हमने पहले ही आपको ये डिस्कस करवा दिया था, हमने इस पर बात कर ली थी, बोनी फिशेज एंड कार्टिलेजियस फिशेज। कार्टिलेजियस फिशेज वो फिशेज होती हैं जिनके अंदर बोन्स नहीं होती, यानी सॉफ्ट बोन होती है जो कि कार्टिलेज की बनी हुई होती है। क्लियर होगी बात? जैसे कार्टिलेज क्या है, सॉफ्ट बोन है, आपकी नोज, आपका ईयर, ठीक है जी, ये कार्टिलेजियस बोन का बना हुआ। तो अब हम बात करते हैं मरीन के अंदर कार्टिलेजियस फिशेज के हवाले से।
Shark tissues contain a high concentration of urea. Shark जो है वो अपने अंदर यूरिया की एक बड़ी अमाउंट को रखती है. To prevent urea from damaging other organ or organic molecules in the tissues. और किस लिए? ताकि उसे बचा सके कि उसके organ जो है वो damage ना हो सके. They have trimethyl amino और amino oxide. और amine oxide भी इसे कहा जाता है. trimethyl amine oxide क्या करता है ये trimethyl amine oxide? अगर हम इसके बारे में पढ़ें तो ये क्या करेगा trimethyl, ठीक है जी, हम इसको अगर देखें तो ये excretion पर काम करता है. किसके अंदर? bony fishes के अंदर या fishes के अंदर. water soluble and non toxic oxide जो है उसको देखता है किसके अंदर? marine के cartilaginous fishes के अंदर. बात समझ में आ गई? अच्छा, जब हम बात करते हैं किसकी, TMAO की, इज द बॉडी ऑफ मरीन, ठीक है जी, फिशेस, देन उसके अंदर जो अमोनिया होता है उसे कन्वर्ट करता है इस प्रोसेस के अंदर ताकि वो सिंप्लीफाई हो सके और उसकी बॉडी से बाहर निकल सके, क्योंकि क्वांटिटी ऑफ यूरिया जो है वो लार्ज अमाउंट के अंदर मौजूद है. देखिए फिशेस, अगर आप कहें कि यहाँ पे एक शार्क बना हुआ है और आप ये कहते हैं कि शार्क कार्टिलेजियस फिश है, देखिए शार्क बड़ा ऑर्गेनिज्म जरूर है लेकिन इसके पास कोई प्रॉपर बोन नहीं. इसका जो कार्टिलेज होता है वो ऑल्दो इतना स्ट्रांग होता है, अगर इसके पास बोन होता, अगर आप सिंपल से एग्जांपल देखें कि शार्क अगर किसी ऑर्गेनिज्म के पीछे शिकार की हैसियत से, यानी शिकार को शिकार करने के लिए, यानी शिकारी बनकर उसके पीछे जाता है, तो ऑर्गेनिज्म अगर एकदम मूव कर जाए, यानी सीधा चलते हुए एकदम डाइवर्ट हो जाए दूसरी साइड पर, तो शार्क बहुत आगे तक जाता है और आगे से फिर एक लंबा कट काट के आता है. ये सबसे अच्छा तरीका होता है शार्क से बचने और उसे डॉच करने का. अगर इसके पास कार्टिलेज की जगह बोन्स होती, ये भी फौरन के फौरन डाइवर्ट हो जाती, उसके पीछे मूव कर जाती, फौरन मूव कर जाती, क्योंकि बैकबोन इसको मूव करा देती. चूंकि इसकी बैकबोन किसकी बनी हुई है? कार्टिलेज की, तो इसीलिए अपनी बॉडी का मास संभालने के लिए पूरा आगे जाती है और फिर उसके बाद एक लंबा चक्कर काट के आती है. तो याद रखिए आपकी जो शार्क, यानी जो शार्क है आपके पास, वो कार्टिलेजियस फिशेस के अंदर शामिल है. बात समझ में आ गई? आइए आगे चलते हैं. अच्छा जी, जब हम आते हैं तो हम इसके अंदर थोड़ा सा फ्लो चार्ट को डिस्कस कर लेते हैं और वो फ्लो चार्ट हम देखते हैं एनिमल्स के अंदर. इनफ्लो एंड आउटफ्लो, यानी किस चीज को इनटेक कर रहा है, किस चीज को बाहर निकाल रहा है, और इनका जो यूरिन होगा, यानी यूरिया जो होगा इनका, वो किस मिकदार के अंदर होगा, इस पर भी हम डिस्कस करते हैं. एनिमल फ्रेश वाटर के अंदर जो रहते होंगे, ठीक है जी, लाइज, ठीक है जी, और लाइव्स इन वाटर लेस कंसंट्रेटेड देन बॉडी फ्लूइड. इनका जो कंसंट्रेशन होगा किसका, कंसंट्रेशन किसका, इनके बॉडी का सराउंडिंग से थोड़ा सा चेंज होगा. फिश टेंड टू गेन वाटर एंड लूज सॉल्ट. ये क्या करेंगी? वाटर को इनटेक करेंगी और सॉल्ट को रिमूव आउट करेंगी. आप इसे जाइए कंपैरिजन कर लीजिए उस चार्ट के अंदर जिसके अंदर आप किसका पढ़ रहे थे, आप मरीन फिशेस का पढ़ रहे थे. इस चार्ट को कंपेयर कर लीजिए, आपका डिफरेंशिएट निकल आएगा, आपका डिफरेंस निकल आएगा दोनों के अंदर. अब आइए इनफ्लो एंड आउटफ्लो को. सॉल्ट जो होगा इन होगा, ठीक है जी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के हवाले से. सो एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या करती है? रिक्वायर करती है एनर्जी, जबकि पैसिव ट्रांसपोर्ट डज नॉट रिक्वायर एनी एनर्जी. तो सॉल्ट इंटेक होगा बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है जी, विद द हेल्प ऑफ गिल्स. ये गिल्स के जरिए सॉल्ट को इंटेक करेगी, जबकि H2O जो होगा वो भी क्या हो रहा होगा, इनकी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट हो रहा होगा विद द हेल्प ऑफ माउथ और विद द हेल्प ऑफ सरफेस ऑफ द बॉडी. अब ये सॉल्ट को क्या कर रही होंगी, बाय यूरिन अपनी बॉडी से बाहर निकाल रही होंगी, क्योंकि इन्होंने वाटर को भी इंटेक करना है अपने आप को क्या करने के लिए, सरवाइव करवाने के लिए, और उसे बाहर भी निकालना है. अगर ये बाहर नहीं निकालेंगी तो क्या होगा, इनकी बॉडी को नुकसान हो सकता है. अब इनकी अगर हम यूरिन की बात कर ले तो लार्ज वॉल्यूम जो होगा यूरिन का, ये ज्यादा क्या करेंगी, वॉल्यूम के एतबार से यूरिन को बॉडी से बाहर निकालेंगी. अच्छा जी,
जो यूरिन होगा इज लेस कंसंट्रेटेड देन बॉडी फ्लूइड, और जो इनका बॉडी फ्लूइड होगा उसके एतबार से इनका जो यूरिन होगा वो लेस कंसंट्रेटेड होगा जिसके एतबार से इन दोनों के अंदर, मिसाल के तौर पर आपके फ्रेश वाटर और इसी तरीके से मरीन वाटर ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर आप डिफरेंशिएट करना चाहते हैं तो इसको 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 कंपेयर कर लीजिए उस स्लाइड से जिसके अंदर आपने क्या पढ़ा, फ्रेश वाटर की जगह पर आपने मरीन वाटर ऑर्गेनिज्म को पढ़ा, तो आपका डिफरेंशिएट निकल आएगा। बात समझ में आ गई? आगे चलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब यानी नेक्स्ट टॉपिक पर जब हम आते हैं या फिर आपकी नेक्स्ट स्लाइड पर जब आप आते हैं तो हम दोबारा से एक शार्क को कंसिडर करते हैं। देखिए शार्क क्या करता है, वाटर एंड सॉल्ट, ठीक है जी, वो क्या करता है अपने माउथ से इंटेक करता है, अपटेक ऑफ सॉल्ट और आयंस बाय गिल्स, अपने गिल से भी इंटेक करेगा और माउथ से भी सॉल्ट और वाटर को इंटेक करेगा, जबकि ऑस्मोटिक वाटर जो है उसे गेन करेगा थ्रू गिल्स and other surface of the body, अपनी body से salt यहाँ से भी इसके अंदर आ रहा है, यहाँ से भी आ रहा है, इसके body surface से भी आ रहा है, तीनों जगह से salt इसकी body में आ रहा है, iron and water lost in urine। अब जो concentrated iron यानी salt है उसे क्या कर रहा है ये यूरिन के जरिए रिमूव आउट कर रहा है, कौन, shark। हमने जैसे बताया कि shark क्या है, cartilaginous species। अब सॉल्ट एक्सक्रीटेड बाय, ठीक है जी, अपने बॉडी से यानी कि ग्लैंड के जरिए ये अपनी बॉडी से क्या कर रहा है, एक्सक्रीट आउट कर रहा है, क्यों, क्योंकि अपनी अगर इसने इस सॉल्ट को रिमूव आउट नहीं किया तो इसके बॉडी के जितने ऑर्गन हैं वो सड़ना शुरू हो जाएंगे, और उससे बचने के लिए क्योंकि ये इनटेक हर जगह से कर रहा है इसीलिए इसको क्या करना पड़ेगा, रिमूव आउट करना पड़ेगा, कहां से, अपने ग्लैंड से जो के सॉल्ट सेक्रेटेड ग्लैंड भी कहलाते हैं। आगे बात समझ में, आगे आइए हम दूसरे ऑर्गेनिज्म यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो के आपके बोनी फिशेस के एतबार से होते हैं। अब बोनी फिशेस को दोबारा से थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं फ्रेश वाटर के अंदर। फ्रेश वाटर फिशेस, ठीक है जी, कंजर्व सॉल्ट इन देयर डिस्टल ट्यूब्यूल्स। उनमें क्या था, उनके जो फ्रेश वाटर सॉरी मरीन वाटर बोनी फिशेस थी उनके अंदर क्या था, डिस्टल ट्यूब्यूल क्या था, एब्सेंट था। इनके अंदर डिस्टल ट्यूब्यूल होगा एंड एक्सक्रीट लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूट यूरिन। ये डाइल्यूट यूरिन को लार्ज अमाउंट के अंदर अपनी बॉडी से बाहर निकालेंगे ताकि इनके बॉडी का बैलेंस रह सके। अब हम थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं, मरीन बोनी फिशेस आर हाइपोऑस्मोटिक। हमें ये पढ़ लिया था शुरू की क्लासेस के अंदर कि हाइपरटोनिक हाइपोटोनिक और ऑस्मोटोनिक क्या होता। हाइपोऑस्मोटिक विच मींस हाइपो मींस बहुत ज्यादा, ठीक है, यानी क्या ज्यादा, वाटर या सॉल्ट ज्यादा किससे, बॉडी के अंदर वाले मटेरियल से, एग्जांपल के तौर पर समझा रहा हूं मैं, ठीक है जी, कंपेयर्ड विद देयर एनवायरमेंट क्या होगा, हाइपोऑस्मोटिक होंगी कौन, मरीन बोनी फिश। तो अगर आपका ये एमसीक्यूज बनता है मरीन बोनी फिशेस आर हाइपोऑस्मोटिक हाइपरऑस्मोटिक आइसोऑस्मोटिक, तो आपने हाइपोऑस्मोटिक को डिस्कस करना है और इसे आपने मार्क करना है और इसे आपने क्या करना है, लिखना है। ये भी आपका एमसीक्यूज बन सकता है कि फ्रेश वाटर फिशेस कंजर्व सॉल्ट, ठीक है जी, इन देयर डिस्टल ट्यूब्यूल्स एंड एक्सक्रीट लार्ज अमाउंट ऑफ डाइल्यूट यूरिन। ये आपका पूरा एमसीक्यूज है, लार्ज अमाउंट ऑफ डाइल्यूट यूरिन कौन प्रोड्यूस कर रहा है, फ्रेश वाटर फिशेस प्रोड्यूस कर रही है। आइए आगे, देयर किडनीज हैव ए स्मॉल, ठीक है जी, ग्लोमेरुलाय, याद रखिए हमने आपसे कहा कि आपके किडनी के नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के अंदर एक कप लाइक स्ट्रक्चर होता है जहां पे आपके बॉडी का ब्लड आता है, क्योंकि आपका ब्लड ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है और वही अपने पास क्या रखता है, तमाम टॉक्सिक मटीरियल को बॉडी में मूव करा रहा होता है, तो वो आपके किडनी से आ जाता है आपके नेफ्रॉन यानी ग्लोमेरुला या ग्लोमेरुलस के अंदर। अब वहां से वो साफ होता है और ब्लड आपकी बॉडी में दोबारा चला जाता है और जो यूरिन होता है यानी टॉक्सिक मटेरियल होता है वो आपके ब्लैडर और उससे लोअर पार्ट से यूरिथ्रा और यूरिडर के जरिए वो बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो ग्लोमेरुला इनके पास स्मॉल होंगी एंड सम लैक ग्लोमेरुला इंटायरली, और कुछ ऐसी होंगी जिनके पास बिल्कुल भी ये वाला पार्ट मौजूद नहीं होगा उनके नेफ्रॉन में। फिल्ट्रेशन रेट जो होगा इनका आर लो, ठीक है जी, इनकी फिल्ट्रेशन जो होगी
यानी किसकी, जिनके पास स्मॉल ग्लोमेरुला है। अब ग्लोमेरुला है, समझ लीजिए एक छन्नी की तरह से काम करता। सिंपल से एग्जांपल, आप चाय कप में डालते हो या फिर आप बाउल में जब पकाते हो, तो बाउल में पकाने के दौरान उसमें बहुत सारी पत्ती भी आप इस्तेमाल करते हो, तो आप चाय के कप में पत्ती तो नहीं डालते, आप उसे छानने के लिए एक छन्नी का इस्तेमाल करते हो। आई बात समझ में? या आप ये कह लो कि गॉज का इस्तेमाल करते हो। इसी तरह से आप दूसरी चीज़ों को भी छानने के लिए एक छन्नी का इस्तेमाल करते हो। आपकी किडनी के अंदर ये वाला पार्ट एक छन्नी का काम करता, आपके ब्लड में से टॉक्सिक मटेरियल को छान देता। अब जब ये मौजूद ही नहीं है तो इनका फिल्ट्रेशन यानी फिल्टर पावर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। आप सिंपल एग्जाम्पल इसकी और ले लो, आप के घर के अंदर अगर फिल्टर प्लांट लगा हुआ है तो उसके अंदर भी एक ऐसी बहुत सारी छन्नियां लगी हुई होती हैं जिससे वाटर छन छन कर साफ होकर आपके सामने आ रहा। अब फिल्ट्रेशन कैसे होगी इनके अंदर जब इनके पास स्मॉल है और किसी के पास कंप्लीटली मौजूद ही नहीं, तो फिल्ट्रेशन रेट इनका बहुत लो हो जाएगा, ठीक है जी। एंड वेरी लिटिल यूरिन इज एक्सक्रीटेड, जिसकी वजह से ये बहुत कम अमाउंट के अंदर यूरिन को एक्सक्रीट आउट कर सकेंगे। बाकी क्यों? क्योंकि ये वाला पार्ट उनके एक्सक्रीशन यानी टॉक्सिक मटेरियल से फिल्ट्रेशन के प्रोसेस को कर ही नहीं रहा। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट आइए आगे। जब हम आगे चलते हैं तो हम किडनी के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी सी, फिशेस के अंदर ही रहते हुए। फिशेस के अंदर नाइट्रोजिनस वेस्ट, नाइट्रोजिनस वेस्ट टॉक्सिक मटेरियल, अनवांटेड मटेरियल को कहा जाता है, जिसके बेसिस के ऊपर अगर वो आपकी बॉडी में रहे तो आपकी बॉडी को बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। इसके एग्जांपल ऐसे समझ लीजिए, अगर किसी को डाइजेशन नहीं हो रही तो डाइजेशन न होने की वजह से उसकी एक्सक्रीशन नहीं हो पाएगी, एक्सक्रीशन नहीं हुई तो उसका स्टोल या यूरिन जो है उसके बॉडी में रहना शुरू हो गया। बॉडी में रहने की वजह से अगर स्टोल है तो उसके बैक्टीरिया जो होंगे वो उसके सराउंडिंग को खराब करना शुरू करेंगे, और सराउंडिंग को खराब करते करते यानी मिसाल के तौर पर आपको क्या हो गया कि आपको कॉन्स्टिपेशन हो गया। अब कॉन्स्टिपेशन होने की वजह से आपका पेट भी खराब, सब कुछ खराब। इसी तरह से अगर यूरिन आपको पास आउट नहीं हो रहा तो आपके ब्लड में चढ़ जाएगा, ब्लड में चढ़ने की वजह से क्या होगा कि वो सारा का सारा टॉक्सिक मटेरियल आपके ब्लड में सर्कुलेट करना शुरू करेगा, आपके हार्ट तक पहुंचेगा तो आपको फिट्स पड़ सकते हैं, आपके हार्ट पे पहुंचेगा तो आपका हार्ट पंप करना सही से काम नहीं कर सकता, आपके लंग्स में अगर चला गया तो लंग्स में पानी भी भर सकता है, लंग्स सही से रिस्पायर भी नहीं कर सकता। तो आइए जरा हम देखते हैं द टाइप एंड क्वांटिटी ऑफ एन animals waste product may greatly affected its water balance, उसके balance यानी water के balance के ऊपर सबसे ज्यादा असरअंदाज होने वाली क्या चीज है, animals की excretion जो के पानी के अंदर मौजूद है। अब हम बात करते हैं ऐसे के among the most significant waste are nitrogenous breakdown product of protein and nucleic acid. देखिए बच्चों, हम पहले ही इस बात पर डिस्कस कर चुके हैं कि अगर बर्ड्स होंगी तो बर्ड्स अपना वेस्ट प्रोडक्ट न्यूक्लिक एसिड की फॉर्म के अंदर रिड्यूस करती हैं, या यूरिक एसिड की फॉर्म के अंदर क्या करती हैं, प्रोड्यूस करती हैं। और अगर हम बात करें फिशेस की, जो पानी के अंदर मौजूद है वो अपनी एक्सक्रीशन अमोनिया की फॉर्म के अंदर प्रोड्यूस करती है, जबकि एनिमल जो है वो यूरिन की फॉर्म में प्रोड्यूस करता है। कंपैरेटिवली हम इन सबको मिलाकर वेस्ट प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है जी। फिश टिपिकली प्रोड्यूस टॉक्सिक अमोनिया, ठीक है जी। हमने आपसे क्या कहा, फिश प्रोड्यूस करती है क्या, अमोनिया प्रोड्यूस करती है, NH3 रादर देन लेस टॉक्सिक कंपाउंड। इस वजह से हम ये कहते हैं कि सबसे ज्यादा टॉक्सिक वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है वो कौन सा है, अमोनिया। अमोनिया कौन प्रोड्यूस कर रहा है, फिशेस, ठीक है जी। और यूरिक एसिड कौन प्रोड्यूस कर रहा है, बर्ड्स। यूरिन कौन प्रोड्यूस कर रहा है, एनिमल्स, हायर एनिमल्स कंसिडर कर लीजिए। तो ये क्या होगा, मोर टॉक्सिक होगा एज कंपेयर टू एनी अदर। देन abundance of water to dilute toxic material, और ज्यादा मकदार के अंदर water मौजूद होगा ताकि उसे क्या किया जा सके, dilute toxic material के एतबार से देखा जा सके। आइए आगे चलते हैं। जब हम आगे चलते हैं तो हम ये देखते हैं कि एक flow chart के एतबार से
जो चीज हम अभी डिस्कस कर रहे थे, मिसाल के तौर पर अगर हम देखें एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म, तो इनके अंदर जो पार्ट बन रहा है यानी इनका मेटाबॉलिज्म जो हो रहा है वो प्रोटीन प्रोटीन ब्रेक डाउन हुआ किसके अंदर, अमीनो एसिड के अंदर, और अमीनो एसिड ने जो है वो इनके अंदर बेस प्रोडक्ट बनाना। इसी तरह से न्यूक्लिक एसिड नाइट्रोजिनस बेस के एतबार से और अमीनो ग्रुप को देखते हुए तीनों चीजें, क्योंकि नाइट्रोजन या फिर वेस्ट प्रोडक्ट को हम डिस्कस कर रहे हैं तो ऑर्गेनिज्म के अंदर यानी मैमल्स के अंदर भी डिस्कस किया जाएगा, इसी तरह से बर्ड्स के अंदर भी डिस्कस किया जाएगा। अगर हम बात करें एक्वाटिक एनिमल्स की जिसके अंदर फिशेज मौजूद है, तो फिशेज लार्ज अमाउंट के अंदर अमोनिया को प्रोड्यूस करती हैं और अमोनिया इनका क्या कहलाता है, टॉक्सिक मटीरियल जो इनकी बॉडी से रिमूव आउट होता है। जबकि अगर हम मैमल्स की बात करें, हम ऑल दो मैमल्स को भी डिस्कस कर चुके हैं, या एम्फीबियंस को बात करें, एम्फीबियंस कौन होते हैं, जो डुअल लाइफ इस्तेमाल करते हैं। डुअल लाइफ इस्तेमाल करने से मुराद क्या कि आधी जिंदगी पानी में और आधी जिंदगी कहां, लैंड पर, ठीक है, खुश्की पर, क्लियर हो गई बात। तो एम्फीबियन, ठीक है, हम फिर इसके अंदर दूसरे ऑर्गेनिज्म को भी डिस्कस करते हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं क्या, यूरिया प्रोड्यूस करते हैं, कहां, अपने टॉक्सिक मटीरियल किस बेस पे प्रोड्यूस करते हैं, यूरिया की हेल्प पर प्रोड्यूस करते हैं। देन अगर हम बात करें किसकी, रेप्टाइल्स की और बर्ड्स की हम बात करें, या इंसेक्ट्स की बात करें, या स्नेल्स की बात करें, गूंगा जिसे उर्दू में कहा जाता है, तो वो किस पे प्रोड्यूस करते हैं, यूरिक एसिड के फॉर्म के अंदर प्रोड्यूस करते हैं। अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, ये तमाम के तमाम क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट है जो बॉडी से बाहर निकालना जरूरी है। ऑर्गेनिज्म अगर इसे रिमूव आउट ना कर सके तो उसकी बॉडी का होम्योस्टेसिस बैलेंस नहीं हो सकता। उसके बॉडी के होम्योस्टेसिस को बैलेंस करने के लिए अगर वो पानी के अंदर मौजूद है तो अमोनिया के फॉर्म के अंदर वो उसे बाहर निकाल रहा होगा, अगर वो मैमल्स की फॉर्म के अंदर मौजूद है या एम्फीबियंस के फॉर्म में मौजूद है तो वो यूरिया के प्रोड्यूस, यूरिया को प्रोड्यूस कर रहा होगा। देखिए यूरिया खाद को भी कहा जाता है, इसीलिए हम इसे यूरिया कंसिडर करते हैं। और अगर बर्ड्स या फिर आपके इसी तरीके से रेप्टाइल्स होंगे, ठीक है जी, तो वो किसमें प्रोड्यूस कर रहे होंगे, यूरिक एसिड के फॉर्म के अंदर अपना बेस प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे होंगे। आइए जरा आगे चलते हैं, इन चीजों को समझते हैं हम आगे चल के, किसके अंदर, ह्यूमन के अंदर, मेन के अंदर। अगर हम एक्सक्रीटरी सिस्टम को देखें, याद रखिए प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग सवाल है, वो आपसे कहेगा कि ये बताइए कि मेन के अंदर, ह्यूमन के अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम कैसे काम कर रहा होता। तो आइए जरा हम मेन के अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करते हैं। द यूरिनरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, ठीक है जी, अब उन चीजों पर बेस करता है, नंबर वन किडनीज, ठीक है जी, ब्लैडर, ठीक है जी, और इसी के साथ यूरेटर और यूरेथ्रा। अगर आप इन चीजों को देखें तो पेयर ऑफ किडनीज, क्लियर हो गई बात, किसके लिए जरूरी है, आपके यूरिनरी सिस्टम के लिए भी जरूरी है और इसी तरीके से आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए भी जरूरी है। पेयर ऑफ किडनीज, उसके साथ साथ आपके पास जो डक्ट आ रहा होगा, ट्यूब स्ट्रक्चर होगा, वो यूरेटर है जो कि किडनी को कनेक्ट करेगा किससे, ब्लैडर से। आपका तमाम का तमाम यूरिन वो इस ब्लैडर में आके क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। यहां पे आपको प्रेशर लगना शुरू होता है और उस प्रेशर के एतबार से आप ये कहते हो कि भाई जल्दी से बाहर आ जाओ, मुझे चुस्सू आ रही है, आई बात समझ में, तो दरवाजा खटखटाते हो, नंबर लगाते हो, वो किस लिए, क्योंकि यहां पर स्टोर हो गया, प्रेशर पड़ रहा है, आपको फौरन पता चलता है कि जी अब आपको जो है वो वॉशरूम जाना है, आपको मस्जिद नहीं जाना, आई बात समझ में, किसी के घर में नहीं जाना, आपको कहां जाना है, वॉशरूम जाना। अब ये ट्यूब जिसने किडनी को किससे, ब्लैडर से कनेक्ट किया, वो क्या करेगा, टॉक्सिक मटीरियल यूरिन को ले आएगा ब्लैडर में, आई बात समझ में, और ब्लैडर से वो कहां आ जाएगा, यूरिथ्रा, यूरिथ्रा वो पॉइंट है जहां से आप इसके बाद उसे एक्सक्रीट आउट कर दोगे। तो ये वो चीजें जिसके अंदर पहली चीज जो कि आपकी क्या है, पेयर ऑफ किडनीज, बात समझ में आ गई, दूसरी यूरेटर, क्लियर हो गई बात, तीसरी आपके पास ब्लैडर, और चौथी आपके पास क्या, यूरिथ्रा। ये तमाम की तमाम जो चार चीजें हैं ये किस पर काम करती हैं, आपके यूरिनरी सिस्टम पर काम करती हैं, ताकि आपका यूरिन जो है वो आपकी बॉडी से बाहर आ सके।
आइए आगे चलते हैं। जब हम आगे चलते हैं तो हम इन चीजों को देखते हैं कि आया ह्यूमन का जो यूरिनरी सिस्टम है वो कैसे काम करेगा। पहली चीज याद रखिए कि किडनीज पियर की फॉर्म के अंदर होती हैं। हाँ, एक्सेप्शनल होगा कोई जिसके पास पैदाइशी किडनी होती। देखिए बच्चों, अल्लाह ताला ने आपको दो किडनियां इसलिए दी हैं कि आपकी एक किडनी में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो दूसरी किडनी उसका क्या करे, अजाला करे और उसका बैलेंस अपने ऊपर लेके आपकी बॉडी को सही से चला सके। इसकी एग्जांपल ऐसे समझिए कि आपकी किडनी यानी दो किडनीज, एक किडनी आपका काम करती है 95%, ठीक है जी, और एक काम करती है कितना, 5%, टोटल कितना हुआ 100%। तो ये जो 5% है ये आपकी बॉडी के अंदर कैसे मौजूद है कि इसका इतना ज्यादा काम नहीं है एज कंपेयर टू अदर किडनी। ये इसने पूरा आपका बैलेंस संभाला हुआ है। इन केस अगर इसमें कोई खराबी आ जाती है तो आपका इस किडनी को रिमूव आउट किया जा सकता है बॉडी से और आपकी ये किडनी पूरा का पूरा वजन उठा सकती है। इसीलिए आप ये देखें कि जिन लोगों की किडनी खराब हो जाती है उन्हें दोनों किडनी ट्रांसप्लांट नहीं की जाती, उन्हें एक किडनी ट्रांसप्लांट की जाती है और वो उसमें नॉर्मल लाइफ गुजार रहे होते हैं। क्लियर होगी बात। बहुत बड़े बड़े ऐसे डॉक्टर हैं पाकिस्तान में भी और बाहर भी जो कि किडनी से रिलेट करते हैं, आपके नेफ्रो स्ट्रक्चर को देखते हैं, नेफ्रोसर्जन हैं, उनकी एक किडनी पैदाइशी एक किडनी बैलेंस पोजीशन में मौजूद है। तो अल्लाह ताला ने आपको एक एक्स्ट्रा दी है ताकि आपका बैलेंस जो है वो खराब ना हो सके। तो किडनी फेस साइज के अंदर एक ऑर्गन की फॉर्म में मौजूद होगी, ठीक है जी, मस्कुलर ऑर्गन की फॉर्म में होगी। आपके बॉडी के अंदर कहां पर मौजूद होगी, बिलो द डायफ्राम। देखिए बच्चों, डायफ्राम किसे कहते हैं, डायफ्राम पुली को कहते हैं। किसे कहते हैं, पुली को। अगर आप डायफ्राम को समझना चाहते हैं तो इस पार्ट को जरा देख लीजिए। आपकी बॉडी इस जगह से, ठीक है जी, यहां से ऊपर आपका क्या है, लंग्स मौजूद है, ठीक है बच्चों, ये आपके क्या है, लंग्स मौजूद हैं। अब ये वो पोर्शन जहां से आपकी बॉडी इनहेलेशन और एक्सहेलेशन कर रही हो, यानी ये वाला लोअर वाला पोर्शन जहां से आपकी बेली ऊपर नीचे हो रही होती है, इसे कहा जाता है डायफ्राम। क्या कहा जाता है, डायफ्राम कहा जाता है। अब इस डायफ्राम की अगर हम बात करें तो कहां मौजूद है, इन द स्मॉल ऑफ द बैक, आपके डायफ्राम के थोड़ा सा बैक साइड पर, ये वाली पोजीशन, ये वाली, ठीक है जी। आपकी किडनीज आगे मौजूद नहीं होती, आपकी किडनीज यहां मौजूद होती हैं, ये पार्ट है आपके किडनीज का। क्लियर होगी बात। तो आपके किडनी यहां पर मौजूद होंगी, जस्ट टुवर्ड बैक साइड, क्लियर होगी बात। और कहां मौजूद होंगी, आपके डायफ्राम में। किडनी इज अ बीम शेप स्ट्रक्चर। बीम समझते हैं किसे कहा जाता है, मिस्टर बीम की बात नहीं कर रहा मैं, बीम लाइक स्ट्रक्चर कहा जाता है लोबिया को। लोबिया अगर आप देखें तो लोबिया का जो स्ट्रक्चर है, लोबिया के स्ट्रक्चर के अंदर अगर आप देखें तो लोबिया का स्ट्रक्चर जिस तरह से होता है उसे कहा जाता है बीम शेप्ड, ठीक है जी, विथ अ डिप्रेशन कॉल्ड द हेलियम। अब ये कवर्ड लेयर होती है उसे कहा जाता है हेलियम, ठीक है जी। ब्लड From the aorta enters, ठीक है जी। aorta आपके कहां से कनेक्ट है, आपके हार्ट से कनेक्ट है। अब ये क्या करता है, aorta deoxygenated blood को लेकर आ रहा, enters the kidney through two renal arteries। अगर हम बात करें arteries और veins की, तो प्यारे बच्चों इसका फर्क समझने के लिए एक छोटी सी चीज याद रखिए। Arteries and veins. Artery. अगर artery की बात करें तो artery का मतलब है blood आपकी body से दूर चला गया। जब आपके heart से कोई चीज दूर जाती है तो आपका heart क्या हो जाता है, दिल बर्दाश्ता हो जाता है। दिल बर्दाश्ता होने की वजह से हार्ट टूट जाता है। अब देखो इस हार्ट के अंदर आपको गैप नजर आ रहा है, विच मीन्स के कोई चीज आपके हार्ट से दूर चली गई,
तो रीनल आर्टरी, बात समझ में आ गई, ब्लड को हार्ट से जो लेकर आ रही। अब अगर बात करें किसकी, वेन्स की, किसकी, वेन्स की अगर बात करें तो इसे याद रखिए कि क्या, रिटर्न टू द हार्ट, ठीक है जी, आपके हार्ट में ब्लड का वापस आना, ठीक है, आपके हार्ट यानी कोई चीज जो आपके दिल से दूर गई वो वापस जब आपके दिल के करीब आती है तो आप उसे याद करते हो किससे, एक कंप्लीट हार्ट की फॉर्म के अंदर जो कि पहले ब्रोकन था और अब ब्रोकन से क्या हो गया, क्योंकि रिटर्न हो गया, तो अवे फ्रॉम द हार्ट रिटर्न टू द हार्ट। अब हम आते हैं किस पर, कि रीनल आर्टरी से एओर्टा के जरिए रीनल आर्टरी से आया, ठीक है जी, एवरी माइन्यूट अबाउट, ठीक है जी, और जब भी हम बात करते हैं आपके किसके हवाले से, आपकी क्लॉक के हवाले से, हर एक मिनट के अंदर, एवरी मिनट अबाउट 20% ऑफ आवर ब्लड पासेस इनटू द किडनीज, आपके बॉडी का 20% ब्लड जो है वो आपकी किडनी के पास हो जाता है। याद रखिए कि अगर हम बात करें किसकी, एक नॉर्मल किसकी, मेल की, तो मेल के अंदर 5 लीटर ब्लड मौजूद होता है अप्रोक्सीमेटली, और फीमेल के अंदर 4.5 लीटर, ठीक है जी, 4.5 लीटर ब्लड मौजूद होता है। अब इन दोनों में से 20% ब्लड जो है वो पर मिनट के हवाले से, आपके एक मिनट के हवाले से क्या हो रहा है, 20% आपकी किडनी के अंदर जा रहा है, पासेस हो रहा है। क्लीन ब्लड लीव्स, ठीक है जी, द किडनीज थ्रू द रीनल वेन। अब क्या हुआ कि वो क्लीन होने के बाद रीनल वेन वेन रिटर्न टू द हार्ट इन टू द वेनकावा, वेनकावा से दोबारा किसमें, आपके हार्ट की तरफ। अभी मैंने यही बात की आपसे, आर्टरी से क्या हुआ, रीनल आर्टरी ने भाग ले गया, ठीक है जी, हार्ट से किडनी की तरफ आ गया, अब वापस जा रहा है ब्लड कहां पे, वेनकम, रिटर्न टू द हार्ट, क्लीन ब्लड रिटर्न टू द हार्ट विद द हेल्प ऑफ वेन्स, बात समझ में आ गई, तो वेन्स के जरिए वो वापस आपके बॉडी के अंदर चला जाएगा। आइए जरा आगे चलते हैं, नेक्स्ट हम जो चलते हैं वो नेक्स्ट प्रोसेस को देखते हैं कि आपकी किडनी के अंदर आगे क्या क्या चीजें हो रही है। तो बच्चों हमने ये चीज डिस्कस की, आपके सामने एक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ह्यूमन किडनी का, जो कि हमने डायसेक्ट करके आपके सामने रखा। अ सेक्शन थ्रू द किडनी शोज एन आउटर डार्कर रीजन, याद रखिए जो आउटर डार्क रीजन आपको नजर आ रहा है उसे क्या कह रहे हो, कॉर्टेक्स कह रहे हैं, बात समझ में आ गई, एंड अ लाइटर इनर जोन इज मेडुला, इसी के अंदर यानी इस डार्क रीजन से थोड़ा सा आगे चले जाओ, कौन सा पार्ट कहलाएगा, मेडुला कहलाएगा, एंड देन उसके बाद जो हम पेल्विस से डिस्कस करते हैं, सारा का सारा ब्लड आपके नेफ्रॉन से इस पेल्विस में आके गिरता है, जब इस पेल्विस में गिरता है आके, तो पेल्विस कौन सा स्ट्रक्चर है, ये जो आपको व्हाइट पोर्शन नजर आ रहा है इसे क्या कहते हैं, पेल्विस कहते हैं, सारे नेफ्रॉन ब्लड को कलेक्ट करेंगी और पेल्विस में गिरा देंगी, और पेल्विस से ये जो आपको एक पाइप नजर आ रहा है इसे यूरेटर कहते हैं, ब्लड यहां से फ्लो होगा, और यहां से फ्लो होने के बाद मिसाल के तौर पर यहां से ब्लड आया, यहां से ब्लड आया, यहां से ब्लड आया, यहां से ब्लड आया, यहां से आया, और यहां से इसमें आते हुए यहां से निकल जाएगा, आपके बॉडी से बाहर निकल जाएगा। तो ये एक स्ट्रक्चर है किडनी का, इसे बड़े गौर से देखिए, क्योंकि आगे हम जो चलेंगे वो हम एक छोटा सा क्विज खेलेंगे, ठीक है जी, चलते हैं आगे, उसके अंदर क्या होगा कि अब हम जो है वो आपसे ये कहते हैं कि प्यारे बच्चों हमने आपके सामने इस चार्ट को एमसीक्यूज के हवाले से तोड़ दिया। अब जब हमने इसे एमसीक्यूज के हवाले से तोड़ दिया तो हमने ये कहा आपसे, आइडेंटिफाई कॉर्टेक्स, बताइए कॉर्टेक्स कहां है, मेडुला कहां है, पेल्विस कहां है, यूरेटर कहां है, हमने आपको बताया ये डार्क रीजन कौन सा था, ये लाइट रीजन कौन सा था, हमने आपको बताया कि ये व्हाइट रीजन कौन सा था, इसके अंदर क्या हो रहा था, हमने आपको बताया कि ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ये कौन सा स्ट्रक्चर है। अब आपने इसे आइडेंटिफाई करना है, अगर आपने उसे गौर से सुना है तो आप फौरन के फौरन इसको नाम दे दीजिए कि कहां मेडुला है, कहां कॉर्टेक्स है, कहां पेल्विस है, और कहां आपका यूरेटर है।
आइए जरा आगे चलते हैं, किडनी के स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं। देखिए बच्चों, किडनी का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो वो कुछ इस तरीके से हमें नजर आता है। हमने जो डार्क रीजन की बात की वो ये रहा, ठीक है जी, और जो हमने लाइट रीजन की बात की वो ये रहा। क्लियर होगी बात? कॉर्टेक्स आउटर पार्ट था, ठीक है जी, जो कि डार्क पार्ट था, मेडुला इनर पार्ट था, ठीक है जी। अब आते हैं आपके ट्यूब्यूल्स पर। देखिए अगर हम ट्यूब्यूल्स पर आते हैं तो ट्यूब्यूल्स ने क्या करना है, वाटर को और जो आपका टॉक्सिक मटेरियल है उसे यहां से आपके किडनी से लेता आके यहां से आकर इस पेल्विस में गिरा देगा। पैरामाइट्स इस पोर्शन को कहा जाता है जिसके अंदर नेफ्रॉन मौजूद है। अब कलेक्टिंग डक्ट यहां से वॉल्व के आपका जो डाइल्यूट यूरिन होता है या टॉक्सिक मटेरियल होता है वो क्या होगा, पल्वस में आके गिरेगा। रीनल वेन, ठीक है जी, वेन ने क्या करना था, आपके रीनल वेन, वेन से आपको याद आया कुछ, वेन क्या हो रहा है, वापस कहां जा रहा है, आपके हार्ट के अंदर। आर्टरी क्या कर रहा है, आपके किडनी के अंदर हार्ट से आ रहा है, यानी ये हार्ट की तरफ जा रहा है और ये हार्ट से वापस आ रहा। तो हार्ट से आया, रीनल आर्टरी ब्लड को लेकर आई, यूरिटर ने क्या किया, पेल्विस से सारा का सारा आपका जो यूरिटर है उसने कलेक्ट कर लिया किसको, आपके यूरिन को, और नीचे गिरा दिया। अब हम जरा बात करते हैं इंटरनल पार्ट्स ऑफ द किडनी। पहला कॉर्टेक्स, दूसरा मेडुला, तीसरा पैरामाइट, तीसरा पेल्विक्स, चौथा ग्लोमेरुलस, ठीक है जी। ग्लोमेरुलस क्या हुआ, कौन सा पार्ट होता है, ये वाला पार्ट होता है जो कि कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, आई बात समझ में। देन उसके बाद बोमेन कैप्सूल, बोमेन कैप्सूल ये वाला पार्ट है, ठीक है जी। लूप ऑफ हैनेले या लूप ऑफ हैनेले, यहां ये पार्ट मौजूद है। डिस्टल कन्वोलेटेड मॉड्यूल ये मौजूद है। देन उसके बाद आपकी जो कलेक्टिंग डक्ट होती है वो ये कलेक्टिंग डक्ट है, यहां से आपका यूरिन पास आउट हो जाएगा। आज की क्लास के अंदर हम इस किडनी के स्ट्रक्चर को यहीं पर रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में जब हम आएंगे तो हम इनके फंक्शंस को पढ़ेंगे और किडनी के अल्ट्रा फंक्शन को पढ़ा जाएगा जिसके अंदर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ये तमाम चीजें हम डिस्कस करेंगे कि कैसे वो फिल्ट्रेशन कर रही है, कैसे अब्सॉर्प्शन कर रही है, ये तमाम चीजों को हम डिस्कस करेंगे आज के क्लास में। आपके किडनी के स्ट्रक्चर को यहीं पर क्लोज करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।